हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो आज हम बात करेंगे कि जेम पे नई कैटेगरी कैसे क्रिएट करी जा सकती है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर, हमारी तो कैटेगरी जेम पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कैटेगरी कैसे हम क्रिएट करें, कैसे अपने प्रोडक्ट हम सही तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर सके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेम पे आप अपनी प्रोफाइल से कैसे आप अपनी क्रिएट कैटेगरी की आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप इनिशिएट करेंगे, जेम कैटेगरी उसे रिव्यू करेगी, जेम की टीम उसे रिव्यू करती है और वो आपसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके और फिर उस कैटेगरी का क्रिएशन वो लोग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा और आपको कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो अभी हम लोगों को नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो वो कहाँ से होगी? जब आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेते हैं, आपको क्या करना है, कैटलॉग वाले सेक्शन में जाना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है और ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करना है। ऐड न्यू ऑफरिंग पे आप क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वहीं से होगा। इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक ये ब्लू कलर की लाइन दी गई है, कैन नॉट फाइंड अ सूटेबल कैटेगरी, क्लिक हेयर टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी और टू सजेस्ट चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग कैटेगरी। तो यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, नई कैटेगरी आपको क्रिएट करवानी है तो उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और दूसरा कि जो जेम पे कैटेगरीज बनी हुई है आप चाहते हैं कि उसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए या कोई कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे 4-5 पैरामीटर लिस्टेड है जिसके अंदर आपको लगता है कि और भी वैल्यूज आनी चाहिए, तो वहाँ इसका यूज आप उस चीज के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगरी नई क्रिएट करने का हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं हमें नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो आप न्यू कैटेगरी क्रिएशन पे आप क्लिक करेंगे। फिर कैटेगरी टाइप में आपको बताना है कि आप कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं कि सर्विस की कैटेगरी करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट का करना है तो प्रोडक्ट आप करोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम देना है, जो भी कैटेगरी का नेम आप देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ABC कैटेगरी डाल दिया। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ पे डालोगे और उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे आप जेम को सजेस्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, उस कैटेगरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आप देना चाहते हो कि क्या प्रोडक्ट है, किस चीज में यूज होने वाला है, या आपको लगता है कि पहले ई प्रोक्योरमेंट में उसके टेंडर निकलते थे बट जेम पे उसकी कैटेगरी नहीं बनी हुई है, तो आप वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या आपका कोई वेबसाइट है या फिर ऐसा कोई लिंक है जहाँ पे उस प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन है, उस कैटेगरी से रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो लिंक भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको जेम को कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो उसका जो फॉर्मेट है यहीं से आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड प्रोडक्ट कैटेगरी क्रिएशन फॉर्मेट, इसे आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये जो एक्सेल है आपके सामने ओपन हो जाता है, इस एक्सेल में सारे डिटेल्स आपको जेम पे भर के देनी है कि कैटेगरी से रिलेटेड की डिटेल्स ऑफ प्रपोजर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, है ना, आपकी जो जनरल डिटेल्स है, जो भी यहाँ पे मांगा गया है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ये भर के देना है। सारा फिल करके आपको वापस से सबमिट करना है अपनी, आप OEM है तो एज अ OEM आप रजिस्टर करेंगे, एज अ सेलर है तो आप सेलर अपनी डिटेल्स डालेंगे, आपके कुछ वर्क ऑर्डर्स उस प्रोडक्ट के आपके पास है उस कैटेगरी से रिलेटेड है तो वो आप अटैच करेंगे, बायर की डिटेल्स, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर आपके साथ अलाइन है जो आपसे कोई प्रोडक्ट प्रोक्योर करना चाहता है या वो जेम के थ्रू उसका टेंडर करना चाहता है बट उसकी कैटेगरी नहीं है, तो उसकी उनकी डिटेल्स भी आप दे सकते हैं यहाँ पे उस प्रोसेस को स्पीड अप करवाने के लिए, या उनसे आप लेटर लिख के भी आप इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं, ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये सारा आपको एक्सेल फिल करके वापस से यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि इस कैटेगरी के लिए जो या प्रोडक्ट के लिए जो आप कैटेगरी क्रिएट करवा रहे हैं तो उसका जो क्या कहते हैं कितनी प्रिक्योरमेंट उससे हो सकती है, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है एस्टिमेटेड एनुअल ड्रॉल, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की उस कैटेगरी से कितनी मतलब प्रिक्योरमेंट हो सकती है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है, और क्या वो रिकरिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब रिपीट रिक्वायरमेंट रहेगी उस कैटेगरी की, तो यस और नो करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आपको ना यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया गया है कि मतलब पुराने, जैसे अगर आपका उस प्रोडक्ट का कहीं और पे टेंडर हुआ हो, किसी और ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे हुआ हो, किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हुआ हो, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हुआ हो, तो वो भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट जो देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। टेंडर कॉपी, परचेज ऑर्डर, ड्रॉइंग डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप दे सकते हैं, आपको लगता है कि उसको देने से आपकी कैटेगरी जल्दी क्रिएट हो जाएगी या उससे हेल्प मिलेगी जेम वालों को उस चीजों को समझने के लिए, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप अटैच करेंगे, सारी डिटेल करेंगे और जनरेट रिक्वेस्ट कर देंगे, तो ये जो रिक्वेस्ट है कैटेगरी क्रिएशन की, वो जेम टीम के पास चली जाएगी। जब एक बार ये कैटेगरी जनरेट हो जाती है रिक्वेस्ट, तो उसका जो स्टेटस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्यू माई रिक्वेस्ट में। अभी यहाँ पे मेरे इसमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डली हुई है, आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट टाइप का आपके सामने यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा, इन प्रोग्रेस, क्लोज्ड, अप्रूव्ड, इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अपना जो नई कैटेगरी जो आप क्रिएट कराना चाहते हैं, यही इसी तरीके ही प्रोसेस है। आप जेम पे डालिए, आपके साथ कोई बायर अलाइन है तो उनसे एक लेटर ले सकते हैं आप, और उस लेटर को साथ में अटैच कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस है थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे फंक्शन है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक और फंक्शन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन। जैसे मैंने बताया कि कैसी कैटेगरी को आप अपग्रेड कराना चाहते हो, कहीं पे कोई गोल्डन पैरामीटर है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग है, आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन पे क्लिक करोगे। कौन सी कैटेगरी है, प्रोडक्ट है कि सर्विस है, या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे। प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद नीचे एक और ड्रॉप डाउन आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये इस ओपन होने में, बट आपको वेट करना है इसी पेज पे। अभी हमारे सामने यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और एक ड्रॉप डाउन टाइप का ओपन हो जाता है, जहां से हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। काफी टाइम ले रहा है ये, आप इसे एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे। अभी हमें क्या करना है कि कैटेगरी अपग्रेडेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन, कैटेगरी टाइप, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहां से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे देखिए अभी हो गया है यहाँ पे, तो जिस भी कैटेगरी को आप अपडेट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना सर्च करना है, जैसे मैं किसी भी एक कैटेगरी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एडजस्टिंग प्लेट्स, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, तो ये एडजस्टिंग प्लेट्स के अंदर जितने भी पैरामीटर्स है ना यहाँ पे, जो ऑलरेडी जेम पे अवेलेबल हैं, उसके सारी यहाँ पे डिटेल्स आ गई है। अब आप क्या चेंज कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे अपना सजेशन दे सकते हो। आपको कुछ अपग्रेड कराना है, मतलब आप चाहते हो कि ये 20, 25, 30, 40, 50 अवेलेबल है जेम पे पैरामीटर, आप चाहते हो कि और भी कोई पैरामीटर जैसे 60, 70 भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो जेम को। वो आप डालोगे और डिस्क्रिप्शन आप बता दोगे कि जो भी आप पैरामीटर ऐड करवाना चाह रहे हो या करना चाहते हो या आपको लगता है कि वो होना चाहिए, तो उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख के दे सकते हो कि क्यों वो कैटेगरी अपग्रेडेशन वहाँ पे होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपके जो जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो उसको जस्टिफाई करे कि क्यों होना चाहिए, किस लिए वो बेनिफिशियल है। आप बता सकते हो कि और भी मॉडल आते हैं जिसमें ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो जेम पे मिसिंग है। तो आप जेम को ऐसे अपनी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड भी आप सजेशन दे सकते हो, वो भी अपग्रेड हो जाती है जेम पे। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम जेम पे कैटेगरीज तो है बट हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो सर आप इसी फंक्शनैलिटी का यूज करके अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन भी आप जेम को सजेस्ट कर सकते हो, और जेम की टीम को लगेगा कि हाँ वो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो कैटेगरी अपग्रेड हो जाती है। सेम वही है, आपको जनरेट रिक्वेस्ट करनी है, उसका स्टेटस आपको दोबारा से व्यू माई रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने अपने कैटेगरीज की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्रिएट करवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जेम की टीम थोड़ा सा टाइम ले लेती है इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने में, आपको रिस्पॉन्स करने में, बट आपकी कैटेगरी क्रिएट करने का यही एक प्रोसेस है जेम पे अवेलेबल। आपका कोई प्रोस्पेक्टिव बायर है, अगर वो आपको एक लेटर दे सकता है, इशू कर सकता है कि उनको वो प्रोक्योर करनी है वो चीज़, तो ये पूरा प्रोसेस जो है स्पीड अप कराया जा सकता है।
डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को आंसर करूंगा और ट्राई करूंगा उनको सॉल्व करने की। साथ ही साथ आपसे मैं रेगुलर रिक्वेस्ट करता रहता हूं, आप मुझे सजेस्ट करते रहिए कि किन टॉपिक्स पे हमें जेम पे वीडियो लेके आनी है, हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आई जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।